जड़ से उखाड़ के फेंका है 20 से 25 साल, अब शिवराज सरकार नहीं बीजेपी सरकार आएगी नहीं मध्य प्रदेश में, ये हमारा दावा है और संतों का दावा है। जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बाबर के जमाने में भी हम संत परेशान नहीं हुए, हमारे पूज्य लोग, हम कांग्रेस के जमाने में भी परेशान नहीं हुए, ये बीजेपी के जमाने में हम परेशान हो गए। हम बीजेपी की है ये, आप संतों की बात तो करते हो, हमको मूर्ख तो मनाते हो, हमारे नाम से वोट तो ले लेते हो, परंतु ठेंगा बता देते हो। ये भारत में इतना झूठा प्रधानमंत्री न पहले था न कभी होगा जितना मोदी है, और मोदी भविष्य में कभी प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरी गुलामी की। पहली गुलामी मुगलों की, दूसरी गुलामी अंग्रेजों की, शायद अब हम तीसरी गुलामी भाजपा की करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। भारत देश पर मुगलों ने शासन किया, जानते हैं कैसे? ताकत से। एक एक रियासत को कुचलते गए, दबाते गए और गद्दी हथिया ली। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, फूट डालो और राज करो। दूसरा, पैसों के दम पर। शायद आज हम अपनों से ही गुलाम होने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज कंप्यूटर बाबा की। कंप्यूटर बाबा का यह नाम तेज दिमाग होने की वजह से रखा गया। भाजपा और आरएसएस देश के हिंदू साधु संतों बाबाओं को शायद अपनी जागीर मानते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो संघ और भाजपा हिंदू साधु संतों को अपना गुलाम मानती है, इन्हें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। संघ हो या भाजपा, बात हिंदुत्व की करते जरूर हैं, तो वह साधु, वह संत, वह बाबा जो इनसे नहीं जुड़ते, क्या वह हिंदू नहीं रह जाते हैं? उन साधुओं के मंदिर तोड़ना, आश्रम तोड़ना, उनकी कुटिया तोड़ना, एक तरह इन्हें दबाना या कुचलना ही तो कहा जा सकता है। 82-83 साल की उम्र में, हालांकि यह मामला अदालत का है, फिर भी इस मामले को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि बापू आसाराम को पेरोल या जमानत तक नहीं मिल पाती। वैसे तो यह न्यायालय का मामला है, मगर बापू आसाराम ने एक बार शायद पीएम मोदी के लिए मंच से कहा था, अपने प्रवचन के समय कहा था कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी को गुजरात सीएम की कुर्सी से यूं उतार दूं। बस मिल गई जेल। उस समय पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे जब यह बात मंच से बापू आसाराम ने कही थी। वहीं दूसरी घटना को देखते हैं कि सलमान खान पीएम मोदी के साथ पतंग उड़ाते हैं, तो उन्हें निचली अदालत में सजा होने के बावजूद सजा का फैसला व्हाट्सएप पर भेजकर बड़ी अदालत से जमानत प्राप्त हो जाती है। भले ही सलमान खान मुस्लिम है, मगर मुस्लिम वोट तो दिलवा सकते हैं क्योंकि उन्होंने पीएम के साथ पतंग उड़ाई थी। कंप्यूटर बाबा को कौन राजनीति में लेकर आया? शिवराज सिंह चौहान। क्यों कंप्यूटर बाबा को राजनीति में लाया गया? क्योंकि वह नर्मदा के नाम पर हुए वृक्षारोपण के घोटालों की पोल खोलने की बात कर रहे थे। कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा किसने दिया? शिवराज सिंह चौहान ने। क्यों राजमंत्री बनाया? शिवराज को उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने का डर था, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर बाबा को राजमंत्री का दर्जा दे दिया। चलिए अगली एक ऐसी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो शायद ही किसी को मालूम हो। मीडिया में यह खबर अभी तक शायद किसी ने आप लोगों को बताई हो, बहुत कम लोग ही इस बात को जानते ही होंगे। कंप्यूटर बाबा 2014 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आप पार्टी के नेताओं से टिकट मांग रहे थे। आप पार्टी के नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि कंप्यूटर बाबा इतने चर्चित व्यक्ति होंगे। उन्होंने टिकट देने से इनकार कर दिया। 2014 में ही आरएसएस और भाजपा
कंप्यूटर बाबा को अपने साथ शामिल करने की पेशकश कर चुके, जिसे बाबा ने यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि भगवा ब्रिगेड मतलब आरएसएस और भाजपा केवल साधुओं का शोषण किए हैं, इसलिए हम आरएसएस या भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे। 2018 के मार्च महीने में कंप्यूटर बाबा ने नर्मदा रथ यात्रा 1 अप्रैल से निकालने की घोषणा की। बाबा ने यह भी कहा कि शिवराज सरकार ने नर्मदा किनारे वृक्षारोपण के नाम पर काफी बड़ा घोटाला किया है। 31 मार्च को कंप्यूटर बाबा को शिवराज सिंह चौहान के सीएम हाउस बुला लिया जाता है, नर्मदा रथ यात्रा रद्द हो जाती है। 4 अप्रैल को कंप्यूटर बाबा सहित 4 अन्य साधुओं को राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाता है। अब शिवराज सरकार ने कंप्यूटर बाबा का आश्रम तोड़वा दिया। क्यों? क्योंकि वह कांग्रेस में चले गए। जब बाबा आश्रम बना रहे थे तब इंदौर में कौन कलेक्टर था, उसने क्यों नहीं रोका? 40 एकड़ पर अतिक्रमण हो रहा था। यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण होते समय उसे रोका जाए, मगर अतिक्रमण होने दिया गया। कंप्यूटर बाबा के तेवरों को देखिए, जरा गौर से देखिएगा, उनकी एक एक बात को गौर करिएगा कि कंप्यूटर बाबा का आश्रम क्यों तोड़ा गया है। बीजेपी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शिवराज सरकार से नाराज चल रहे कंप्यूटर बाबा आज जबलपुर में नर्मदे संसद का आयोजन कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अपने गृह नगर में नर्मदा संसद कर रहे कंप्यूटर बाबा नर्मदा संसद के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि एमपी की बीजेपी सरकार धर्म विरोधी है, जिसे उखाड़ फेंकेंगे और जनता को अपना निर्णय देंगे। इसके साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार को नर्मदा को लेकर जमकर कोसा और संतों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। तो बड़ी संख्या में संत पहुंच रहे हैं। बाबा जी, आज आप नर्मदा संसद कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? नर्मदे संसद में संत समाज पूरे देश का इकट्ठा हो रहा है, और जो बीजेपी सरकार है मध्य प्रदेश में, शिवराज सरकार है, वो धर्म विरोधी सरकार है। इसलिए ऐसी सरकार को संत समाज ने तय कर लिया कि जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। क्या उन्होंने वादे नहीं किए थे नर्मदा को लेकर? बात करें या तमाम आप, क्योंकि लगातार जो है इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, उज्जैन की बात करें, इस तरह के आप समागम करते आए हैं, और आज आपने देश भर के संत यहाँ बुलाए जिनके साथ आप मन की बात करेंगे। देखिएगा, इन्होंने नर्मदा को बेच खा गए, ये गौ माता की नितंत हत्या और दुर्दशा कर दी, हमारी मठ मंदिर कई तोड़ दिए, संतों की कुटिया तोड़ दी है, चाहे वो ओंकारेश्वर में हो चाहे वो चित्रकूट में है, संतों की उपेक्षा हो रही। 15 साल से शिवराज संतों से नहीं मिलना चाह रहा, इसलिए संतों ने अब मन की बात करी। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते थे, तो अब संतों ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप नहीं, अब हमारे मन की बात सुने। नर्मदा की गोद में ग्वारी घाट जबलपुर में जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इस आयोजन में 10,000 से 15,000 संत यहाँ पहुंच चुके हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है दोपहर दो जो 12 बजे 12:30 बजे शुरू होगा, उस टाइम तक मुझे लगता है कि बहुत सारे महात्मा इकट्ठे हो जाएंगे। इसीलिए संत समाज बेहद दुखी है। अब किसी भी प्रकार से शिवराज सरकार को, बीजेपी सरकार को, ये धर्मरोधी सरकार को मध्य प्रदेश में नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि आप अवैध हथियार रखते हो, तो क्योंकि लाइसेंसधारी अगर है तो फिर अवैध है। फिर उन्होंने, हमने कहा कि कब्जा कर लिया आपने इतनी ज़मीन पे, बीजेपी कहती है सरकार कहती है, तो क्योंकि उसी ज़मीन पे हमें पट्टा मिला है पंचायत का, 15 साल से आश्रम आज क्यों दिखा उनको, अब क्यों नहीं? फिर उन्होंने कहा कि विधायक निधि का पैसा लगा है इसमें, जनपद निधि का उन्होंने कहा, इसमें पंचायत निधि का पैसा लगा है। अगर ये उसके बाद अतिक्रमण अवैध है तो फिर मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मुझे शिवराज से ये आशा नहीं थी कि वो साधु संतों पर अत्याचार करेगा, भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि साधु संतों पर अत्याचार करने वाले राजा इतिहास में हमेशा दानव के रूप में दिखे हैं, मानव के रूप में नहीं दिखे हैं। आपको लगता है ये अभी क्यों हुई अवैध अतिक्रमण? 15 साल से क्यों हो गया था? फिर उसको राज्य मंत्री का दर्जा क्यों दिया? फिर उनके आश्रम में स्वागत करने क्यों गए? सारे मंत्री क्यों जाते थे? ये सवाल है नहीं है, आपसे पूछ, मंत्री का दर्जा देंगे और अब उनको पहले साधु अब शैतान, ऐसा क्यों है? दो आँखें क्यों?
इस चश्मे से दो आंख क्यों देख रही है अलग अलग? कानून एक है, दो है। पट्टा नहीं मिला। घुस के करेंगे। अरे जिन पर्वतों पर करते थे वो पिकनिक पैलेस बना दिया आपने। इस देश को महात्मा अपना देश मानते थे और जहां भी कहीं प्राकृतिक जगह हो वहां जाकर के रह जाते थे, तपस्या करते थे। लेकिन आज ये हालत है कि हमको इस देश का नागरिक नहीं माना जाता है। हम लोगों को आपत्ति भेदभाव। राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बाबर के जमाने में भी हम संत परेशान नहीं हुए, हमारे पूज्य लोग। हम कांग्रेस के जमाने में भी परेशान नहीं हुए, ये बीजेपी के जमाने में हम परेशान हो गए। हमको रोना आता है। ये हमारे नाम से सरकार बनाते हैं। मंदिर की बात करें, महाराज ने कितनी अच्छी बात करी, ये हमारे नाम से तो खाते हैं और हमें बाहर भगाते हैं। हम परेशान हैं, बहुत दुखित हैं। मैं अकेला नहीं, मैं संत के साथ आपको बताऊं कि 20 साल की पत्रकारिता में मैंने पहली बार देखा है कि बीजेपी की किसी सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा है। और खुलकर मुस्लिम तुष्टिकरण तो कांग्रेस के टाइम पे थे। क्या सचमुच आप लोग मानते हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण हुआ है? बिल्कुल। 5 मिनट का हम आपको 5 मिनट में प्रमाण दे देंगे। पूरे मंदिर जितने भी आते हैं रोड के किनारे उनको तोड़ के फेंक दिया जाता है। यहीं पर भोपाल में कमला पार्क है, एक मस्जिद की बाउंड्री, मस्जिद नहीं, मस्जिद की बाउंड्री आ रही थी रोड में, उसको 10 फीट इन्होंने नहीं हटाया, कई करोड़ का बगल से पुल बना दिया। अब चलिए मैं आपको प्रमाण देता हूँ। हाँ। तो हिंदुओं के साथ में क्यों भेदभाव किया जाता है? दोहरी नीति तो है, उनको बोलना भी चाहिए, क्योंकि वो अभी तक मूर्ख ही तो बनाते रहे ना, यही तो विडंबना है। अच्छा, लेकिन बोलने नहीं दिया। नहीं नहीं, मूर्ख ही बनाते रहे। कंप्यूटर बाबा, आप नाराज हो गए। शासन से कभी पूछा कि आप धार्मिक सरकार होने का दावा करते हो, आपके विधानसभा भवन में कौन धर्माचार्य है जो धर्म की बात रखने को तैयार हो? ये इस बात का पूर्ण परहेज रखते हैं कि एक भी धर्माचार्य को विधानसभा भवन के अंदर नहीं आना चाहिए। साधु संत ना आप, बात निर्दलीय की नहीं है, हमको भी आनी चाहिए सामने। बीजेपी की है ये। आप संतों की बात तो करते हो, हमको मूर्ख तो मनाते हो, हमारे नाम से वोट तो ले लेते हो, परंतु ठेंगा बता देते हो। हाँ, तो ये मामला, ये बताइए की घड़ी है भाजपा के लिए सही अर्थों में। मैं फिर कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, एक मिनट में कहना चाहूंगा कि आप लोग अब हमारे संत जागरूक हैं, अब ये झूठे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब बता देंगे कि संत समाज क्या कर सकता है। कोई सिलावट नहीं, मिलावट खोर को, अब हमें सिलावट इसी नहीं कहेंगे, मिलावट हो गई है, क्योंकि करोड़ों रुपए इन्होंने लिए हैं तो मिलावट कर दिए इन्होंने शिवराज के साथ। ये शिवराज दिल मिला गए, इनका पूरा परिवार अवैध खनन, माँ नर्मदा के सीना छलनी करने के लिए लगा है, इनकी पार्टी के लोग लगे हैं। और इंदौर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज नहीं हो सकेगी कंप्यूटर बाबा की रिहाई, जमानत देने वाले एसडीएम का ट्रांसफर हो गया है। मलारगंज एसडीएम राजेश राठौर को हाथोद भेजा गया है। पर महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने एक बार फिर शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा ने उपचुनाव में दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाने का बीड़ा उठाया। इंदौर से लोकतंत्र बचाओ यात्रा का मंगलवार को आगाज किया। इस यात्रा के माध्यम से कंप्यूटर बाबा उपचुनाव की 25 विधानसभा सीटों तक पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जाकर शामिल हुए थे। कंप्यूटर बाबा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर खरीद फरोख्त और लोकतंत्र की हत्या कर सरकार गिराने और अपनी बनाने का आरोप लगाया। कंप्यूटर बाबा अपने सैकड़ों संतों के साथ इंदौर स्थित गोम टिगरी आश्रम से मंदसौर के लिए रवाना हुए। एक महीने में 25 विधानसभा क्षेत्रों में ये पहुंचेंगे और लोकतंत्र की हत्या करने वाले नेताओं को वोट न करने की अपील मतदाताओं से करेंगे। इस दौरान बाबा गांव-गांव में चौपाल लगाएंगे, संत समाज जनता के सामने जाकर गद्दार नेताओं की पोल खोलेंगे। जिन्होंने गद्दारी की है इनको बाहर भगाएं, इनसे पूछे कि आपने क्या लिया है, कौन सी सौदा की है, ये पूछ करके आप, और फिर इन्हें जो है वोट दें। इन्हें वोट ना दें, अपील रहेगी जिन्हें वो चाहे उन्हें वोट दें, पर इन 25 गद्दारों के लिए ना वोट दें, उसके लिए चौपाल कार्यक्रम करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे। मेरे लिए राजनीति सत्ता का खेल नहीं है, कुर्सी का खेल नहीं है, एक अनुष्ठान है, अनुष्ठान। एक यज्ञ कर रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, 13 साल से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ही धुन, और अच्छा कैसे करूं, और बेहतर कैसे करूं, और इसी से कांग्रेस परेशान है। करवटें बदलते रहते हैं और सपने देखते रहते हैं, कब ये हटे और कब हम आए हैं। कोई ग्वालियर से देखता है, कोई छिंदवाड़ा से देखता है, कोई सीधी से देखता है,
कोई झाबुआ से देखता है। ये किसान का बेटा उनकी आंखों में कांटे की तरह गड़ रहा है। ये कांटा हटे तो हमें कुर्सी मिले। और अब आपको दिखाते हैं कैसे कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया है और उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मैं इस कार्यवाही की घोर निंदा करता हूं। वो कहां गए सब हिंदुत्व को अपनाने वाले लोग, कहां गए वो सारे हिंदू धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग, जो आज एक उस महात्मा का जिसको कि शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया था, मंत्री पद दिया था, उसका आश्रम तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़ दिया, नोटिस तक नहीं दिया, केवल इस बात से नाराज होकर कि उसने कहा था लोकतंत्र बचाओ। अगर बाबा जी ने और साधु महात्माओं ने लोकतंत्र बचाने की अपील की थी तो क्या देशद्रोही काम किया क्या? पूरे लाव लश्कर के साथ कंप्यूटर बाबा निकल पड़े। मकसद है शिवराज सरकार को सत्ता से बाहर करना। संत समाज के साथ कंप्यूटर बाबा ने इंदौर में रैली निकाली। ये वही कंप्यूटर बाबा हैं जिन्हें शिवराज सरकार ने मंत्री का दर्जा दिया था। तब बाबा शिवराज सरकार का खूब गुणगान करते थे, लेकिन अब इनका मोह भंग हो गया है और शिवराज सरकार पर बरस रहे हैं। नर्मदा के सीना जो है उनका छीलना छील रहे हैं हमारे शिवराज सरकार, जिन्होंने नर्मदा को नरक में ले जा रहे हैं। ऐसे में संत को अब क्या चाहिए? संत परेशान हो गया है। संतों का दायित्व है कि नर्मदा को यदि बचाना है और गौ माता को बचाना है, गौ की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, मठ मंदिरों को बचाना है, तो अब संतों को आगे आना पड़ेगा और अपने मन की बात करके सरकार शिवराज सरकार को जड़ से उखाड़ के मध्य प्रदेश से बाहर फेंकना होगा। एक एक साधु के साथ कम से कम 10,000 वोटर है, गांव गांव के साधु आए हुए हैं, इसलिए हम हजारों संत जो है एक साथ आए हैं और अब शिवराज सरकार को उखाड़ के फेंकने का प्रण बना लिया है, वो करके रहेंगे। मध्य प्रदेश में कभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल करने वाले कांग्रेस पार्टी के करीबी रहे कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बढ़ गई। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर शिवराज सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। इंदौर प्रशासन ने बाबा के गोम्बट गिरी वाले आश्रम के अवैध कब्जे को हटा दिया। रविवार सुबह अधिकारियों की मौजूदगी में एक कार्रवाई की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि जेसीबी से कंप्यूटर बाबा के आश्रम के अवैध निर्माण को गिराया जा भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। लिख लो, आपको बोल रहा हूँ, मोदी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। भारत में इतना झूठा प्रधानमंत्री ना पहले था ना कभी होगा जितना मोदी है, और मोदी भविष्य में कभी प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमारे संतों का अंतिम आपसे कहना है, राम राम ही अब की बार और बदल के रख दो चौकीदार। यह बात उस बाबा की जो किस्मत वाला है। एमपी में सत्ता किसी की भी हो, सीएम शिवराज हो या कमलनाथ, ये बाबा सबके साथ रहता है। ये संत जब भी बोलता है तो सिंहासन डोल उठता है। अब नए निजाम में इस बाबा का मुकद्दर सातवें आसमान पर है। कौन किस्मत हो तो कंप्यूटर बाबा जैसी, एमपी में सीएम कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, सिक्का इन्हीं का चलता है। माफ करे शिवराज तो कैसे माफ करे महाराज, और वही हुआ। आज दुनिया ने देख लिया कि कमलनाथ में और शिवराज में कितना फर्क है। कमलनाथ ने 1.5 घंटे के अंदर और कर्ज माफ कर दिया। हमें अच्छा लगा कि नर्मदा बच जाएगी, अब हमारी गौ माता बच जाएगी और हमारे जो है साधु संतों का आदर होने लगेगा। ये मठ मंदिर जो तोड़ रहे थे, संतों की कुटिया तोड़ रहे थे, ये तो बच जाएंगी। बाबा जड़ से उखाड़ के फेंका है 20 से 25 साल, अब शिवराज सरकार नहीं, बीजेपी सरकार आएगी नहीं मध्य प्रदेश में, ये हमारा दावा है और संतों का दावा है। ये धर्म का काम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, और मुझे 6 महीने लगभग हो रहे हैं, मैंने देख लिया कि ये आगे भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इस्तीफे के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है।
बताया जाता है कि शिवराज अब समझ गए हैं सरकार न तो विकास से बनाई जा सकती है, न बाबाओं से, न हिंदुत्व से, न फूट डालने से। आप वोट किसी को भी दें, हम जनादेश को, जनादेश के जनप्रतिनिधियों को मंडी बना चुके हैं। हम बोली लगाएंगे, विधायक बिकेंगे पैसों से तो पैसे देंगे, पद से तो उन्हें मंत्री बना देंगे। इसके आगे इनकी औकात है ही नहीं है, या तो पैसा या तो मंत्री पद। बस विधायकों की इतनी तो औकात है, वो बिकेंगे और हम खरीदेंगे और हम सरकार बना लेंगे। विपक्षी दल कांग्रेस में कोई दमदार नेता नहीं दिख रहा है। कमलनाथ, दिग्विजय बूढ़े हो चले हैं, इनके बाद की लाइन में कोई प्रदेश स्तर का नेता ढूंढना वर्तमान में काफी मुश्किल है। शासन का अन्याय, अत्याचार, विध्वंस, मनमानी सहने, नई गुलामी ओढ़ने के लिए मध्य प्रदेश की जनता को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश भाजपा का गुलाम बनने की दिशा की ओर अग्रसर है। यह इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि मन मुताबिक देश बनाना चाहते हैं, वरना यह संत भी हिंदू है, दलित भी हिंदू है, इन पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं।